तो यहाँ पर जो कानून था वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था, भारतीय दंड संहिता जिसका नाम था, वो दंड के जगह में भारतीय न्याय संहिता। इससे लोगों में न्याय उनको कैसे मिल पाएगा? 1860 से जो अंग्रेजों द्वारा कानून बनाया गया था उसमें बदलाव करते हुए हमारे केंद्र सरकार नए कानून इसमें लाए हैं। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि जनता के साथ न्याय होना चाहिए, अंतिम पंक्ति से अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, और उन्होंने दंड संहिता की जगह में न्याय संहिता लाया। इस वक्त हम बेमे तरह के पुलिस प्रांगण पे हैं, जहां पर 3 नए कानून के कार्यक्रम चला है। वहां पे दीपेश साहू बेमेतरा विधायक जो है पहुंचे हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे आज की कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और कानून के बारे में क्या बताएंगे। पिछले कई सालों से जब से भारत देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर जो कानून था वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था, लेकिन माननीय मोदी जी की सोच, उन्होंने ये सोचा कि माननीय मोदी जी का विचार था कि अगर देश हमारा है तो कानून भी हमारे हिसाब से हो, तो आज उसी के क्रम में पूरे देश में आज एक नया कानून लाया जा रहा है। भारतीय दंड संहिता जिसका नाम था, वो दंड के जगह में भारतीय न्याय संहिता। इससे लोगों में न्याय उनको कैसे मिल पाएगा, और जिनको दंडित हम करना चाह रहे हैं उनमें सुधार कैसे होगा, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख करके ऐसा कानून लाया जा रहा है। आज उसी के संबंध में आज एक कार्यशाला आयोजित यहाँ बेमेतरा शहर में थाना प्रांगण में हुई है, और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में हमारे आम जन, मीडिया के बंधु, वकील लोग, सभी नागरिक गण यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ साझा विधायक भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे 3 नए कानून के बारे में क्या कहते हैं। जो 1860 से जो अंग्रेजों द्वारा कानून बनाया गया था उसमें बदलाव करते हुए हमारे केंद्र सरकार नए कानून इसमें लाए हैं, 3 नए कानून बनाए हैं। इसमें खासकर महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देते हुए कानून में बदलाव किया है, जो आज इस तारीख से लागू किया गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं 3 कानून लागू होगा और अपने जिले में हो रहा है, पूरे विश्व भारत में हो रहा है, कैसे सोच? इसमें बहुत सुधार आएगा, जो नागरिकता दंड जो कानून बनाते हैं उसमें नागरिकता न्याय के में बदलाव आएगा, इसमें हर तरफ से बदलाव आएगा, जिसका आज शुभारंभ हुआ है। हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या है न्याय। देखिए, पहले ये दंड संहिता थी और अंग्रेजों के समय से ये कानून चल रहा था, आज़ादी के 70 साल के बाद भी कांग्रेस ने उस कानून को बनाए रखा था और इस कानून में बहुत खामियां भी थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि जनता के साथ न्याय होना चाहिए, अंतिम पंक्ति से अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, और उन्होंने दंड संहिता की जगह में न्याय संहिता लाया और उसमें संशोधन करके ऐसा कानून ला दिया है इसमें अपराधियों को दंड मिलेगा और जो प्रार्थी है, अपने शिकायत लेकर आता है, अपनी फरियाद लेकर आता है, उसको न्याय मिलेगा। ये नए न्याय संहिता में है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको जनता से जोड़ दिया है, जनता को ये संदेश दिया है कि हम दंड संहिता नहीं, हमारा उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं, हमारा उद्देश्य न्याय करना है। ये थे राजेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने जनता के बीच में ये बात रखी है। नए आपराधिक कानून के आज जो है शुभारंभ अवसर पे सभी थाना प्रांगण में आज उत्सव के रूप में इसको जो है मनाया जा रहा है, और इसमें क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सम्मानित जनता है, मीडिया के साथी हैं और अधिकारी कर्मी, सभी को सम्मानित किया गया। आज इसी परिप्रेक्ष्य में बेमेतरा थाने के प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जिले के हमारे सम्मानित विधायक श्री दीपेश साहू जी, सम्मानित विधायक श्री ईश्वर साहू जी, सम्मानित कलेक्टर साहब और सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि यहाँ पे जो है आए, वो सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और सभी उत्सव में शामिल हुए। मैं सभी को जो है इस नए कानून, आपराधिक कानून के लागू होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यह निश्चित तौर पर दंड से न्याय की ओर एक प्रसार है और हम सबके प्रयास से यह सफल होगा। आज कोतवाली थाने में नए कानूनों को लेके जो है वो संगोष्ठी रखी गई थी, इसमें सम्माननीय विधायक बेमेतरा श्री दीपेश साहू जी, सम्माननीय विधायक साजा श्री ईश्वर साहू जी और समस्त जन प्रतिनिधिगण, कॉलेज और स्कूल के छात्र छात्राएं, कोटवार,
हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और सम्मानित नागरिकगण उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में नए कानूनों के बारे में जो है वो सभी को बताया गया कि आज से नए कानून लागू हो गए हैं और दंड से न्याय की तरफ हम जा रहे हैं। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि एसपी साहब के द्वारा आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से किया गया। ये जो धाराएं हैं न्याय संगीत धारा है। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।